हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। देखिए, हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी की, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो यहाँ पर हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है, कहानी कई बच्चे जो हैं वो पढ़ते ही नहीं हैं, जबकि ये आप लोगों के लिए कहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी, जब आप टीचिंग लाइन में कहीं पर भी आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो इंटरव्यू में जब आप लोगों से डेमो देने को कहा जाता है, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे पहले उस टॉपिक को लिंक करिए किसी कहानी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक हमें ये चीज़ तो बताती है। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए जो एक लड़की है अनघा, इसकी कहानी को जोड़ दिया गया है कि ये सैर करने जा रही है, ठीक है, और अब जो है टीचर बच्चों को बताएगी महात्मा बुद्ध के बारे में, साथ में जो है वो सारनाथ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो कहीं पर भी इंटरव्यू देने आप जाएं, तो वहाँ पर जो है ये जो प्रोसेस है, जैसे कि कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, तो उसको सबसे पहले कहानी से, रियल लाइफ से जो है वो जोड़ें, और उसके बाद उस टॉपिक, जो मेन टॉपिक जो आपको दिया गया है, उस पर आएं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता लग जाती है। तो चलिए अब हम भी पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी। कई बार आपने महात्मा बुद्ध के बारे में भी पढ़ा है। एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं, नोट करते जाइए। यूट्यूब पर जो है वो एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो दो बार जो है वीडियो को जरूर देखें। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, खुद जो है वो मार्केट से जाकर एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की बुक खरीद के लाएँ और हाईलाइट करते जाएँ जो भी मेन पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप रिवीजन करते हैं तो पूरी बुक जो है वो पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। तब वहाँ पर जो भी हाईलाइट की हुई लाइनें होती हैं वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। एक परिवर्तन हमने कहाँ देखा था, जब हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था, ठीक है, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ हमने देखा था काफ़ी तेज गति से परिवर्तन हुआ था, ठीक है। तो इसलिए उसको नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति। दूसरी जो है हम देखते हैं कि गांव की तरफ से जो है वो नगरों की जो ओर जो विकास हुआ वो इस समय हुआ, तो इसलिए जो है इसको भी क्रांति कहा गया, दूसरी या नगरीय क्रांति समझिए। तो जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा कि महाजनपद कि कुछ राजा इस समय शक्तिशाली हो गए थे, हजारों सालों के बाद फिर से जो है वो नगर उभर रहे थे, ठीक है। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो यहाँ जो है विचारक जो है वो अपने तरीके से सोच विचार कर रहे थे कि ये जो चेंजमेंट आ रहा है ये क्यों आ रहा है। महात्मा बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, ठीक है। तो इनको जो है ज्ञान की खोज के लिए जो है ये अपने घर को त्याग देते हैं और अनेक वर्षों तक जो है वो भ्रमण करते रहते हैं। कई विचारकों से मिलकर चर्चा भी करते हैं, लेकिन वहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं। लास्ट में ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है खुद ही जो है वो रास्ता ढूंढने का निश्चय करते हैं। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है ये बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले गौतम थे और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में जो है इनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही, ध्यान रखना है कि मृत्यु से पहले जो इन्होंने, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में इन्होंने पूरा समय जो है वो व्यतीत किया था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट लाइन क्या रहेंगी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि महात्मा की बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे, सिद्धार्थ थे। एक ये लाइन हो गई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद आपको नोट करना है कि बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। उसके बाद
इन्होंने जो है वो बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के नीचे जो है वो तपस्या की थी और तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर जो है ये महात्मा बुद्ध कहलाए थे। सबसे पहली बार जो है उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के निकट है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, मैंने आपको बताई। जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं नोट करते जाएँ, नहीं तो आप वीडियो दो बार सुनेंगे वहीं आपको याद हो जाएगा। बुद्ध ने जो है जब शिक्षा दी तो इन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा जो है बल दिया? इन्होंने ये कहा, इन्होंने जो जीवन के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि ये जो जीवन है व्यक्ति का, ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, यही पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो व्यक्ति जो है वो कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है। और सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, यही इच्छाएं हैं, क्योंकि हमें पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है वो मूलभूत इच्छाएं होती हैं। इसके बाद जो है वो व्यक्ति की जो है अन्य इच्छाएं होती हैं, अन्य वस्तुओं को पाने की जो लालसा है, ठीक है, इसकी वजह से जो है वह है, क्या फेस करता है? कष्टों को, दुखों को फेस करता है। ठीक है, इसलिए ये मेन चीज़ है। इसके अलावा सभी चीज़ें जो हैं वो अन्य में गिनी जाएंगी, तो व्यक्ति को इनकी इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति के पास जो है वो सोचता है कि मेरे पास जो है एक साइकिल होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही उसके पास साइकिल आ जाती है, वो क्या सोचता है? मेरे पास जो है वह स्कूटर होना चाहिए। ठीक है, बाइक होनी चाहिए। उसके पास वो भी आ जाती है, वो सोचता है मेरे पास जो है वो क्या होनी चाहिए? एक गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, तो वह हमेशा जो है दुखी ही रहता है। तो बुद्ध जो है अपनी शिक्षा में देते हैं कि जीवन जो है पूरा कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी जो है इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। ठीक है, कारण क्या है? इच्छाएं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और अधिक यानी अन्य जो वस्तुएं हैं इनको पाने की इच्छा करने लगते हैं। और बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा? तृष्णा कहा। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि महात्मा बुद्ध जो हैं, इन्होंने जो शिक्षा दी कि ये जो जीवन है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और इसका मेन कारण क्या है? व्यक्ति की इच्छाएं और लालसाएं, जिसको इन्होंने कहा तृष्णा। फिर ये कहते हैं कि जो है आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से जो हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ठीक है, अपनी इच्छाओं पर। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ये ऐसा कहते हैं महात्मा बुद्ध कि व्यक्ति को जो है वो दयालु होना चाहिए, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, सभी के ऊपर जो है वह है उसको अपनी दया दिखानी चाहिए, सभी का जो है सम्मान आदर करना चाहिए, क्योंकि आगे का जो भविष्य होगा इसका वो इसी कर्मों पर जो है वो आधारित होगा। ठीक है, यदि व्यक्ति जो अच्छे काम करेगा तो अच्छा वो फल भोगेगा भविष्य में, यदि बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल भोगेगा, ऐसा ये अपनी शिक्षा में कहते हैं। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी वर्तमान को तो प्रभावित कर ही रहे हैं कर्म, और वो बाद के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है वो सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी, ताकि आम लोगों को समझ में आ सके। यानी जो जन की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, उसी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए ताकि सभी को समझ में आ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो हमें पता है कि जो वैदिक संस्कृत है उस भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे सभी लोग जो हैं वो समझ पाए ऐसा नहीं था, तो इसीलिए महात्मा बुद्ध जो है वो प्राकृत भाषा में देते हैं अपने उपदेश। यहाँ साइड में देखिए सारनाथ स्तूप। ठीक है, तो सारनाथ तो वही वाराणसी के पास में सारनाथ है, और यहाँ पर सबसे पहले उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में जो है जहाँ उपदेश दिया, तो इसी वजह से जो है इसी की जो है याद में यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और भी अधिक पढ़ोगे। तो ये देखिए आप सारनाथ स्तूप, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली बार जो है उपदेश दिया। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा, जो भी उन्होंने शिक्षा दी है, उसको केवल इसलिए नहीं स्वीकारना है कि ये उनका केवल उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, समझ से मापें कि जो हमें दिख रहा है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत कर रहा है तो उसका परिणाम गलत ही होगा, जो व्यक्ति दया का भाव दिखा रहा है, आदर दिखा रहा है, तो उसके साथ जो अच्छा ही होगा। लेकिन हम वर्तमान में क्या मान लेते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये कलयुग है, और कलयुग में तो क्या होता है,
जो भी गलत काम करता है उसके साथ हमेशा जो है वो अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसके साथ जो है वो गलत ही होता है, और जो अच्छा कार्य करता है उसको मुश्किलों में जो है जो सुख का अनुभव होता है, ठीक है, वो उस गलत व्यक्ति को कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो है ऐसा किस प्रकार किया, आओ देखें। यहाँ पर एक कहानी है, इससे समझ में आएगा। किसा गौतमी की कहानी है, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वो इतनी दुखी हो गई, वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति जो है उसको महात्मा बुद्ध के पास ले गया। अब बुद्ध ने जो है कैसे शिक्षा दी उसको, कि बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग के लाना है जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, अब भला ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो है, ये जो किसा गौतमी है, इसको वास्तविकता से परिचित कराना चाहते हैं। तो ये जो है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर गई, लेकिन वह जहाँ पर भी गई उसने पाया हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज़ जो है वो समझ गई थी कि ऐसा जो है वो उसको कहीं पर भी जो है नहीं मिलेगा देखने को, कि एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तो उसको वास्तविकता को जो है वो अपनाना चाहिए। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, तो यही शिक्षा दे रहे थे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट देखिए उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि जो मृत्यु है उसके बाद क्या होगा, इसका ये जो प्रश्न था उनके दिमाग में चलता रहता था। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि ये जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, ठीक है, और जो कि व्यक्ति को चला रहा है, इस पूरे संसार को जो है वह चला रहा है। कुछ तो ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन जो है वो आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं कि आत्मा तथा ब्रह्म जो है वह एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन जो है वो उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। तो इस पैराग्राफ में जो है वो आप लोगों को क्या नोट करना है, आपको नोट करना है उपनिषद जो कि उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ये लाइन नोट करनी है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है गुरु के समीप बैठना। इसमें क्या है, तो इस ग्रंथों में, उपनिषदों में क्या है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये हो गया इस पूरे पैराग्राफ में आप लोगों की नोट करने वाली बात। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। हालांकि ये जो टॉपिक है आपकी फिलोसफी का है, ठीक है, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, यदि आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ लिया है, कि हम हिस्ट्री में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिलोसफी का है, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 में ही, चैप्टर नंबर 6 में ये चीज़ दी गई है। भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियां हैं षड् दर्शन के बारे में। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये है वैशेषिक है, न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो षड् दर्शन के नाम आपको इसी तरीके से सिक्वेंस में याद रखने हैं। इसके साथ साथ जो है इनकी स्थापना किसने की, तो ऋषि कर्णाद ने की, वैशेषिक की, गौतम न्याय की, कपिल ने सांख्य की, पतंजलि जो है इन्होंने योग की, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की, ठीक है, और वेदांत की ऋषि व्यास ने। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रखेंगे। भारतीय दर्शन की जो षड् दर्शन है, 6 पद्धतियां हैं, उनकी स्थापना किसने की, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास जो है वो कई पीढ़ियों के दौरान हुआ।
यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। एक और कहानी है बुद्धिमान भिखारी की। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने कहा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने उत्तर फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना कर देकर आप उस सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसको भोजन दे दिया। ठीक है, तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, तो ये हमने देखा। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः जो है पुरुष ब्राह्मण या राजा होते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे जो इन चर्चाओं में भाग लेते थे। लेकिन कभी कभी जो है स्त्रियों का भी उल्लेख हुआ है, स्त्री विचारकों का, जिसमें आपको याद रखना है गार्गी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है वो सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम जो है उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जागने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो है वो बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। व्याकरण विद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। कितने लिखे? लगभग 3,000 लिखे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइन, और इसको आप नोट करेंगे कि पाणिनि जो है इन्होंने संस्कृत भाषा में जो है वो व्याकरण की रचना की थी। इसमें क्या है, तो इसमें इन्होंने जो है वो स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा और उसके आधार पर जो है वो सूत्रों की रचना की। ठीक है, और जो पढ़ते हैं मैथ के बच्चे बीजगणित, तो इसके सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं ये सूत्र। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के जो नियम लिखे। ठीक है, और कितने लिखे? लघु सूत्र जो है लगभग 3,000 लिखे। तो हमने कई विचारकों के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, किस तरीके से गौतम से जो है वो महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। देखिए, बड़ी क्लासेस में जो है वो डिटेल में आएंगी ये सारी जानकारी, अभी जो है वो शॉर्ट में दी हुई है। ठीक है, तो आपको छोटी क्लास है तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।